Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today again we will discuss about our previous topic, in which we studied about the drugs acting on blood and blood related organs. ये हमने स्टार्ट किया था ना, जिसके अंदर हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था फाइब्रिनोलाइटिक एंड एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स. कुछ उसी के जैसा ये टॉपिक भी है, ये भी अलग नहीं है, पर ठीक है, इसमें एंटी प्लेटलेट्स नाम अलग से आता है, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको आज करवाया है, जिसमें से फाइब्रिनोलाइटिक्स तो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. आज हमारे को मेनली एंटी प्लेटलेट्स के ऊपर फोकस करना है, तो बस ये दो ही प्रेजेंटेशन में आपका ये यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी. अब देखिए, सबसे पहले हमने फाइब्रिनोलाइटिक्स के बारे में पढ़ा था कि क्लॉट के डिसोल्यूशन के प्रोसेस को अपन फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं. कौन करता है ये सारा? एंडोथेलियल सेल्स में जो TPA रिलीज होता है वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, और ये प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन वो है जो क्लॉट बनाता है फाइब्रिनोजन से, उस फाइब्रिन को डिग्रेड कर देता है. इस प्लाज्मिन का एक्शन ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. कौन कौन से ड्रग्स थी? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और एल्टीप्लेज, ये फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स थी जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रही थी, और इसको कन्वर्ट होने से रोकने वाली ड्रग्स थी EACA, ट्रैनिक्जामिक एसिड और एप्रोटिनिन, जो कि एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी अपनी रखती थी. फाइब्रिनोलाइटिक में अपन थ्रोम्बाई या क्लॉट को लाइज कर देते हैं ताकि रीकैनलाइज हो सके हमारी ऑक्लूडेड ब्लड वेसल जो रुक गई थी, रीकैनलाइज मतलब दोबारा स्टार्ट हो सके. ये फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम कर रही होती हैं सारी ड्रग्स, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटीप्लेज, ये एल्टीप्लेज का एंटालॉग है, एल्टीप्लेज TPA और टेनेक्टेप्लेज, जिसको अपन SURAT सुराज के नाम से अपन पहचानते हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है हमने कहा था बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलता है, प्लाज्मिनोजन से बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिनोजन में कन्वर्ट कर देता है. हाफ लाइफ 30 से 80 मिनट में ये अपना असर दिखाएगा. ये एंटीजेनिक नेचर का भी होता है, पायरोजेनिक नेचर का भी होता है, इसलिए एंटीबॉडी से ये ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है और पायरेक्सिया कॉज कर देती है और BP लो कर देती है, एरिथमिया हो जाता है. इसका यूज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में करते हैं, तो 7.5 से लेकर 15 लाख IU अपन इसकी दे सकते हैं, IV की फॉर्म में दे सकते हैं, एक एक घंटे के अंतराल में दिया जा सकता है. DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में काम आती है. एडवर्स इफेक्ट में ये ब्लीडिंग कर देती है, हाइपोटेंशन, एलर्जिक रिएक्शन, फीवर और एरिथमिया कॉज करती है. कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अभी किसी को ट्रॉमा हुआ हो, किसी की सर्जरी हुई हो, एबॉर्शन हुआ हो, स्ट्रोक से पेशेंट बाहर आया है, सीवियर हाइपरटेंशन हुआ हो, पेप्टिक अल्सर हुआ हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ हो, तो ये मेडिसिन अपन नहीं दे सकते. दूसरी मेडिसिन थी यूरोकाइनेज, ये एंजाइम है जो ह्यूमन यूरिन से निकला था, और या फिर हम ह्यूमन किडनी की सेल को कल्चर करके भी ये मेडिसिन बना सकते हैं. इसकी हाफ लाइफ 10 से 15 मिनट की है. ये एंटीजेनिक भी नहीं होता, एलर्जिक भी नहीं होता, पर इसे फीवर हो सकता है, हाइपोटेंशन भी रेयरली हो सकता है. ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्होंने अर्लियर एपिसोड्स के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज ली थी. एल्टीप्लेज मैंने आपको बताया, RTPA मैं आपको बताऊंगी, तो ये RTPA है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना RTPA. RTPA क्या है? रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. ये सिलेक्टिवली प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करती है, बाउंड करती है फाइब्रिन के साथ में. नॉन एंटीजेनिक होती है, एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय नहीं होती, तेज़ी से अपना असर दिखाती है, ज़्यादा पोटेंट है और पुराने क्लॉट को भी डिसॉल्व करने में बड़ी अच्छी ड्रग मानी जाती है. हाफ लाइफ 4 से 8 मिनट का ही है, बड़ा छोटा हाफ लाइफ है. इसे नोजिया, माइल्ड हाइपोटेंशन और फीवर हो सकता है. ये काफ़ी महंगी मेडिसिन है. आजकल कुछ न्यू रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स आ रहे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, जैसे कि रेटीप्लेज. ये RTPA का मॉडिफाई रूप है. इसकी हाफ लाइफ उसके कंपैरिजन में बड़ी है, 15 से 20 मिनट ज़्यादा होती है, पर ये लेस स्पेसिफिक फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन होता है. टेनेक्टिप्लेज जेनेटिकली इंजीनियर्ड म्यूटेंट फॉर्म है ये एल्टीप्लेज की, मतलब जेनेटिकली अपन ने इसको तैयार किया था कुछ म्यूटेशन वगैरह करवा कर वो करके. इसमें
ब्रिन सेलेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। हाफ लाइफ 2 घंटे की होती है, सोचो इनमें कुछ मिनटों की थी और इसमें 2 घंटे की हाफ लाइफ है। सिंगल बोलस डोज आप दे सकते हो 0.5 mg पर kg के हिसाब से, तो सफिशियंट है। ये काफ़ी महंगी ड्रग है। फाइब्रिनोलाइटी का यूज़ MI में कर सकते हो, DVT में कर सकते हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन और इस्केमिक स्ट्रोक, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये सारे टॉपिक्स तो हमारे हो गए थे। हमें जो आज अभी नए हेडिंग से पढ़ना है, दैट इज़ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। वही एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन और इनहिबिशन का। देखो प्लेटलेट जो है, एराकिडोनिक एसिड को कॉक्स एंजाइम अपन ने पढ़े थे पहले भी, उसके हेल्प से साइक्लिन एंडोपेरोक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसको TX सिंथेटेज एंजाइम TXA2 के अंदर कन्वर्ट करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज में ये कन्वर्जन होगा, फिर साइक्लिक AMP प्रमोट होगा, प्लेटलेट के एडिशन को करवाएगा, मतलब जिस जगह पे इंजरी हुई है वहाँ पर प्लेटलेट को ला करके चिपका देगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब यही चीज़ एंडोथेलियम के अंदर कैसे चल रही है भाई, एराकिडोनिक एसिड साइक्लिक एंडो परऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, प्रोस्टेट साइक्लिन सिंथेटेज इसको PGI2 में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि एडिनाइट साइक्लेज इसमें साइक्लिक AMP का इनहिबिशन बढ़ जाएगा, उसमें तो साइक्लिक AMP का प्रमोशन रुका था, इसमें इनहिबिशन बढ़ जाएगा, एडिशंस ऑफ प्लेटलेट। जैसे इन्हें ये साइक्लिक AMP बढ़ेगा, ये क्या कर देगा, एक्चुअली प्लेटलेट को चिपकने से रोक देगा और 5-HT और ADP का रिलीज वहाँ पे करेगा। ये पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है, कैसे PGI2 का रोल हो रहा है, कैसे चिपकने से रोक रहे हैं प्लेटलेट्स वगैरह को। तो ये मैकेनिज्म इसका देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रोथ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन फिर जो है वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि आगे क्लॉट ही नहीं बनेगा भाई, जब प्लेटलेट का प्लग नहीं बन रहा तो क्लॉट कहाँ से बनेगा। अब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, तो जो अपन ने यहाँ पर एंजाइम्स के नाम लिए वही सारे यहाँ आएंगे, जैसे TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर के भाई इसका TXA2 का सिंथेसिस ही मत होने दीजिए, फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट कर दीजिए, थाइनोपायरिडिन डेरिवेटिव्स यानी ATP एंटागोनिस्ट हो सकता है, GP2B, 3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और अदर्स भी ऐसी ड्रग्स हैं। TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर में लो डोज की एस्पिरिन अपन काम में लेते हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर में अपन डाइपायरिडामोल और साइलोस्टाजोल ड्रग अपन काम में लेते हैं, थाइनोपायरिडिन डेरिवेटिव्स यानी ADP एंटागोनिस्ट के रूप में अपने टाइक्लोडिपिन और क्लोपिडोग्रिल काम में ले रहे हैं, और GP2B, 3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में एवेक्सीमैब, एप्टीफीबेटाइड और टायरोफाइबन काम में लेते हैं, अदर्स हैं PGI2, डेल्ट्रोबैन, डेजोक्सीबैन और क्लोफिब्रेट नाम के ड्रग्स अपन काम में लेते हैं। सबसे पहले अपन ने एस्पिरिन के बारे में बोला भाई, एस्पिरिन जो है वो TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो ये देखिए TX थ्रॉम्बोक्सेन A2 TXA2 का इनहिबिटर है ना, कि एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनता है, उससे थ्रॉम्बोक्सेन A2 बनेगा। एस्पिरिन यहाँ पर रोक देगा COX-1 को सीधा, जो इसको कन्वर्ट कर रहा है PGH2 के अंदर, तो ये रुक जाएगी तो प्लेटलेट साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 रुकेगा, एसिटाइलेटेड साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 बताया गया, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा एस्पिरिन की वजह से और यहाँ पर इसका फंक्शन नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट ड्रग है डाइपायरिडामोल, ये कोरोनरी वैसोडाइलेटर है, कमज़ोर एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ये रिलेटिवली वीक एंटी प्लेटलेट ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, ये पोटेंशिएट कर देती है एंडोजिनस प्रोस्टासाइक्लिन के इफेक्ट को, हाई कंसंट्रेशन में फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करेगी, जिससे साइक्लिक AMP का अमाउंट बढ़ जाएगा। 100 mg BD अपन इसको दे सकते हैं, एस्पिरिन के साथ में काम में ले सकते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक को रोकने में काम में आ रहा होता है कुछ पेशेंट्स में, TIA के पेशेंट्स में। नेक्स्ट ड्रग का नाम है टिक्लोडिपिन या टाइक्लोडिपिन आप इसको कह सकते हैं, या क्लोपिडोग्रिल, ये ADP एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं, ये ADP को अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देती इरिवर्सिबली, मतलब आदमी हटा दोगे ये ड्रग हट जाएगी तो वापस ADP बाइंड हो जाएगा। इसके अलावा ये फाइब्रिनोजन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रोकता है, फाइब्रिनोजन की वजह से जो प्लेटलेट वहाँ पर एक्टिव एग्रीगेट हो रही थी, खट्टी हो रही थी प्लग बनाने के लिए, उसको रोक देगा तो प्लेटलेट का प्लग नहीं बनेगा।
पर ये जीपी सेकंड बी थर्ड ए के ऊपर कोई चेंज नहीं कर रहा होता। एस्पिरिन के साथ में सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखाता है, उसके एक्शन को बढ़ा देगा ये एस्पिरिन के एक्शन को। ये दोनों के दोनों प्रो ड्रग्स हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिखाती है। एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इनका काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाता है अगर अपन इनको साथ में देते हैं तो। टाइक्लोडिपिन और क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल एक कॉन्जनर टाइक्लोडिपिन के रूप में काम में ली जाती है, सेफर है और बेटर टॉलरेटेड है, आप आराम से बेझिझक इसको काम में ले सकते हो। टाइक्लोडिपिन के बुरे इफेक्ट में डायरिया रहने लगता है पेशेंट को, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो जाता है, सर में दर्द भी होता है, कानों में घंटियाँ बजती है, स्किन पे रैशेज हो जाता है और सबसे खतरनाक कंडीशन में पर्सन में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई प्लेटलेट का प्लग नहीं बनेगा तो छोटी मोटी चोटों में ब्लीडिंग होगी, न्यूट्रोपिनिया न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाएगा और प्लेटलेट का नंबर भी कम हो जाएगा, तो ये इसके ज़्यादा बुरे प्रभाव हैं। डोज 250 mg BD आप दे सकते हो। और जो क्लोपिडोग्रेल है उसमें भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, लेस बोन मैरो टॉक्सिटी, बोन मैरो टॉक्सिटी भी ये कॉज कर देता है, हालांकि थोड़ी करता है पर कर देता है, डायरिया एपिगैस्ट्रिक पेन और रैशेस हो जाते हैं। डोज में 75 mg की OD आप दे सकते हो। तो ये देखिए ये सभी ड्रग्स का दिखाया गया है, एविक्जी मैप दिखाई गई है, फैटीबा एप्टीफेबेटाइड दिखाई गई है, ये सारी क्या है जीपी सेकेंड वी थर्ड ए रिसेप्टर को प्लेटलेट ब्लॉक कर रही हैं, तो ये एक्शन दिखाया गया है रिमेनिंग ड्रग्स का। इस एविक्जी मैप क्या वो एक्शन दिखाया गया था उस प्रीवियस स्लाइड के अंदर। ये क्या है FAB फ्रेगमेंट ऑफ काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट जीपी सेकेंड वी थर्ड ए, ये एक्चुअली हमने एक काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई थी। काइमेरिक जब हम दो चीज़ों से मिला करके कुछ नया बनाते हैं, तो एंटीबॉडी पे जो FAB फ्रेगमेंट होता है वहाँ से उसको लेकर के हमने ये ड्रग बनाई थी। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है पेशेंट्स के अंदर जिनको PCI वगैरह हुआ है। ये एस्पिरिन के साथ में दी जा सकती है, हेपारिन के साथ में दी जा सकती है, या लो मॉलिकुलर वेट हेपारिन के साथ में भी आप इसको दे सकते हो। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसका ब्लीडिंग है, इसके अलावा प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, BP कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, पर यह एंटीजेनिक नहीं होती इसलिए एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसकी डोज में 0.25 mg पर kg के हिसाब से IV दे सकते हो PCI से पहले, और बाद में 10 μg पर मिनट के हिसाब से 12 घंटे की डोज 12 घंटे के अंदर ये दे सकते हो। अब एंटी प्लेटलेट ड्रग कहाँ कहाँ काम आती है, PPCCV के अंदर ये काम में आती है, जैसे प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स या AV शंट किसी को हो गया हो, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो गई हो किसी को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में चाहे MI हुआ हो, चाहे अनस्टेबल एंजाइना हुआ हो, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन अपन को MI को करना हो तो भी अपन ये ड्रग देते हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी किसी ने करवाई हो, स्टंट किसी ने डलवाए हो, बाईपास इम्प्लांट्स किसी ने करवाए हो, बाईपास सर्जरी होती ना तब भी अपन ये मेडिसिन काम में ले सकते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक किसी के अंदर हुआ हो, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ हो तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मैं बता चुकी हूँ, पैथो में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो हार्ट की ब्लड वेसल की कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, एंजियोप्लास्टी करवाई हो, स्टंट डलवाए हो, बाईप्लास सर्जरी करवाई हो, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको अपन स्ट्रोक कहते हैं, इस्केमिक अटैक्स जिसको अपन स्ट्रोक शॉक भी कहते हैं, तो उनमें भी अपन ये मेडिसिंस काम में ले सकते हैं। तो बस इसके साथ ना केवल आपका ये टॉपिक बल्कि आपकी ये पूरी यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। छोटी सी यूनिट थी, कुछ ज़्यादा घपलेबाजियाँ इसके अंदर है नहीं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।